मॉर्निंग एवरीवन तो आज सुबह सुबह व्लॉग बना रहे हूँ ऋतिक चला गया है स्कूल अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है अब हम जा रहे हैं फिश मार्केट तो आप इस वीडियो पे बने रहिए

जस्ट मैं घर पहुंच गई हूं और बहुत जरूरी की भूख भी लगी है ब्रेकफास्ट में मैंने आज चपाती और अंडा भुर्जी बनाया है ऋतु को टिफिन में मैंने चपाती और ऑमलेट दे दिया है तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद फिश को क्लीन करते हैं तो ये देखिए ये सारी फिश मैं लेके आई हूँ क्रैब ऋतु को बहुत पसंद है उसके लिए मैं क्रैब लेके आई हूँ ये है प्रॉन्स और ये है लेडी फिश गोवा में इसे मुड्डोशी कहा जाता है और ये है ऑयस्टर ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं इसका मैं एक सुक्का बनाऊंगी ये बहुत ही टेस्टी बनता है आप सोच रहे होंगे इतने सारे फिश एक साथ वो भी तीन लोगों के लिए इतने सारे फिश एक वीक आराम से चल जाता है मंडे थर्सडे और सैटरडे को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं रोज़ सुबह जाके फ़िश लेके आना ये पॉसिबल नहीं होता जब मेरे हस्बैंड फ्री रहते हैं तब जाके हम फिश लेके आते हैं और वो फिश एक वीक आराम से चल जाता है क्रैब को मैंने अच्छे से वॉश किया है अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और साथ ही में ऑयस्टर फिश जिसे हम कालवा कहते हैं उसे भी मैं फ्रिज में रख दूंगी तो आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी आज मैं सिर्फ़ एक सिंपल दाल बनाऊंगी और उसके साथ लेडी फिश फ्राई और प्रॉन्स फ्राई क्योंकि लेडी फिश रेसिपी नहीं खाता है इसके लिए थोड़ा प्रॉन्स में फ्राई करूँगी तो चलते हैं अब फिश को क्लीन करते हैं

और सौदा अनुसार नमक लिया है अब इसमें नींबू डालकर इसका एक पेस्ट बनाते हैं आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्ली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ अब इसे अच्छे से मिक्स करें फिश को मसाले लगाने के बाद इसे साइड में रख दे जिसे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए लंच हमारा हो चुका है अब बनाते हैं हेयर ऑयल तो यहाँ पे मैंने कुछ कड़ी पत्ता लिए है इसे मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा दिया है एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कड़ी पत्ता को अच्छे से सुखा देना है इसमें पानी नहीं होना चाहिए तो अब इस कड़ी पत्ता को अब एक मिक्सी जार में डाल देते हैं और साथ ही में इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच मिट्टी अब इसका एक फाइन पाउडर बनाते हैं ये देखिए इस तरह से अब इस पाउडर को एक कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं और साथ ही में डालते हैं कोकोनट ऑयल। अब इसे गैस के ऊपर रख देते हैं और इसे लो फ्लेम पे इसे कुक करते हैं लो फ्लेम पे इसे कुक करना है करीब दस से पंद्रह मिनट के लिए और बीच बीच में आपको लगातार चलाते रहना है जब हम तेल बना रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए इसमें क्या क्या फ़ायदे हमारे बालों को मिलने वाले हैं कड़ी पत्ता में अमीनो एसिड और विटा कैरेटीन बहुत मात्रा में होता है पतले और झड़ते बालों का एक अनमोल उपाय है यदि आपके बाल पतले होकर झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है तेल को हमेशा स्कैल्प पे लगाना चाहिए बालों पर नहीं अच्छे से तेल लगाने के बाद उसको हल्के हाथों से मसाज करें। ये देखिए आप देख सकते हैं तेल का कलर भी चेंज हो चुका है तो यहाँ पर लगभग पंद्रह मिनट लग चुके हैं तो ये अब बनकर रेडी है गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं अब इस ऑयल को इस ग्रास के जार में ट्रांसफ़र करते हैं ये मिक्स फ्रूट जैम के बॉटल्स हैं मैं कभी फेंकती नहीं हूँ ऐसे स्टोक करके रख देती हूँ जब भी अच्छे से काम आ जाता है तो अब इस ऑयल को इस जार में ट्रांसफ़र करते हैं और जो बचा हुआ जो कड़ी पत्ता के पिसी से उसे आप फेंकेगा नहीं उसमें आप दही ऐड करके अपने बालों पर लगाए पंद्रह मिनट के बाद इसको रखें उसके बाद हेयर वॉश करें अब चम्मच से इसे प्रेस करें जो बचा हुआ ऑयल इसे निकाल दें तो यहाँ पे हेयर ऑयल बन के तैयार है ये आराम से महीना भर चल जाता है तो मैं इस छोटे वाले ग्लास में ट्रांसफर करती हूँ तो आप इस ऑयल को जरूर बनाएं और अपने हेयर फॉल को कम करें आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हुए एक ऐसे नए नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर